गुरुग्राम जिला के किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए। संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस मामले में अंडरटेकिंग भी देंगे। नगर निगम और पुलिस की टीम शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएगी। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने ADC नेशनल टोबैको अधिकारी केशव शर्मा सिविल सर्जन बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ADC ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए इस अधिनियम के सेक्शन 6B में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है एक क्वार्टर में एक बार होगी आगे से, तो आज वो पहली मीटिंग ADC सर के जो है चेयरमैनशिप में हुई थी, जिसमें हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी उपस्थित थे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो जितने भी इंचार्जेज हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स यहाँ आज उस मीटिंग में थे, और आगे से ये सभी लोग हमारे साथ रहेंगे, जिसमें गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के जितने भी SDMs हैं वो भी इसमें शामिल थे। सर, जो ये पूरी मुहिम चलाई जाएगी, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी और कितने ऑफिसर इसके साथ जुड़ कर काम करेंगे? ये मुहिम वैसे पूरे इंडिया में है और हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगी और हरियाणा में भी पूरे में है। तो इसमें हम सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर के जो भी वायलेशन करेंगे टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर, उसमें अलग अलग जो है सेक्शंस हैं कोटपा एक्ट के अंडर, 2003 में जो कोटपा एक्ट बनाया गया था, जिसमें बीच बीच में अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, उसके तहत जो है चालान काटे जाएंगे, जिससे कि जो पब्लिक प्लेस में लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको जो है रोका जा सके, क्योंकि जो स्मोकिंग के कारण से जो उससे स्मोक निकलता है वो दूसरे लोगों को भी नुकसान करता है। सर, अभी तक कितनी ऐसी जगह हैं जो सुनिश्चित की गई थी, जो स्कूल कॉलेजेस के पास थी, और कितनों को अब तक चालान किया जा चुका है? स्कूल और कॉलेजेस जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आसपास जो उनकी आउटर पेरीफरी है इंस्टीट्यूशंस की, उससे 100 गज के दायरे तक वहाँ किसी तरह का स्मोकिंग जो है कोई अलाउड नहीं है, वो स्मोकिंग प्रोहिबिटेड एरिया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उस एरिया में स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम सेक्शन 6B के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और उनके चालान काटेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल कॉलेज की प्राचार्य को भी ऐसे तत्वों के खिलाफ चालान करने की शक्तियां दी गई हैं। इस कमेटी के सदस्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों का चालान करेंगे। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।